Dr. Waseem Akbar Shekh Saab, jinnah di taaleem hai PhD Mass Communication de vich, te unhan ne postdoc bhi ki thi hai Mass Communication in England ichu. Aaj kal Head of Department in Mass Communication Department, Global University de, te unhan da ilmi kam hai, kalam nigaar hai, mukhtalif mazameen, akhbarat ich, mukhtalif rasail ich, chhapte rahne, saat kitaban de musannifin, te aaj de unhan da maqale da title hai, unwan hai, ilaqai sakafat te ilaqai masail ko hal karan ich, media da kirdar, tashreef laan den Dr. Waseem Akbar Shekh. अल्लाह हु शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मोहतरम इजाज अहमद कुरैशी साहब मोहतरम फियाज बुरोज साहब दीगर मुअज्जिज़ीन ख़वातीन व हज़रात सब तो पहले तो मैं अपने मकाले दी त्रै मिनटां दे विच समरी पेश करना चाहना लेकिन उन्दे तो पहले मैं सिर्फ दो गालियां मीडिया दे मौजूदा किरदार दे बारे रखना चाहना अगर तुसा करा खटड़े से बह के ओपन एयर इच रोटी खाधी हो तो तुसा एडिटा हो सी कि दो त्रै कुत्ते बिल्लियां भी नाल नाल मौजूद होने तो तुसा कोई रोटी खाते हो कोई रोटी देने वाले उछाल ले दो तो वो भी वो झप के खा लेकिन तुसा जरा चस चाण वास्ते कोई हड्डी जेड़ी है वो उन्हें कुछ सटेंदे नहीं बल्कि हवाई च उठा रहे हो तो तुसा दे दे हो कि त्रे चार कुत्ते बयक वक कुत्ते पौने नूकू ते ही कुत्ता को पकड़ गेंदे ओ कुत्ता को हड्डी को पकड़ गेंदे ते बाकी त्रे चार उन्हें पिछू एक किरदार में सारे आज दे मीडिया था कि वो ही खबर को पकड़ गेंदे ते बाकी चैनल उन्हें पिछू होने लिहाजा तुसा देख सो कि हर चैनल ते जेड़े छी नेशनल चैनल हैं उनतरी मुल्क जिथे बहन इंतहाई शर्म की गाल है कि उन्हें ते हिको जे खबर होने सारे हिको जे खबर देने पे होने तुसा सुन के हैरान थी जो कि पिछले दो महीने पहले बच्ची ज्यादा केस था एक वाकया लाहौर अस्पताल पेश आया है उन्हें ते लोग घर बैठे चैनल बदल लेते रहन शर्म दे मारे लेकिन मीडिया को शर्म नहीं आई दूजी गल है कि एक स्टूडेंट मेरे को आया मैं कह दिया साहिब तुहाडे को मशवरा गिरना है तुसा मुखलसाना मशवरा दे सो मैं जी फरमाओ आखिर मेरी जाल मेरे को तलाक मंगती पई है मैं वजह आखिर मेरे मोबाइल इस कोई लड़की का नंबर दे के दस बस उसको शक पै गई हूँ आदि मैं को तलाक दे मैं उन्हें को पूछा है मैं यार वो ड्रामे तो नहीं देती टीवी पर बह के ये जियो ते हम ते ये अरवाई अली आखिर सब तो पसंदीदा काम तो ये हूँ यानी ये तो खबर नहीं मैं गाल सी दूजे पास ड्रामा का यह हाल है कि एक तलाक की रेशो इजाफा थी गया वैसे लड़ाई झगड़ा फसाद शक शुबा मुआशरे के बीच रवादारी खत्म थी गई है तो हिक बह ते जिद हट धर्मी ते मुतकबराना रवैये ते हिक बह चिदे से चिदा खड़ा होने वाली गाल चल इन्हें दो गालियों के बाद मैं अपने मुख्तसरन मकाले की तरफ आना ज्यादा उन्होंने कि इलाकाई सकाफत के मसाइल की निशानदेही तो उन्हें हल करने सरायकी मीडिया का किरदार तो आपको पता है कि यह दौर मीडिया की हुक्मरानी का दौर है मीडिया कें भी माशरे के इज्तमाही मिजाज को बढ़ावन से बिगाड़न का बुनियादी किरदार अदा करें वक्त गुजरने के नाल नाल मीडिया ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है अजकल मीडिया घर का एक फर्द जिंदगी का एक लाजमी जुज बढ़ के रह गया है इन गालू मीडिया को यानी रेडियो टीवी अखबार को मुआशरे का तर्जुमान आखा वह मीडिया के बगैर इंसानी जिंदगी बेकैफ बे रौनक बे इलम रह वी है क्योंकि सबको हर गाल की खबर मीडिया ही देता है अगर ये मीडिया को यानी रेडियो टीवी के अखबार को अपनी जिंदगी खारिज कर रहे हो तो अस बाकी दुनिया तो कट के रह वैसो तो सारा इलम अपनी जात ते अपने करीबी लोगों तक ही महदूद थी कि रह वैसे मौजूद हाजरीन पिछले 50 साल के दौरान मीडिया ने बहुत तरक्की की थी ये पहले रेडियो टीवी अखबार ते किताबों तक महदूद है लेकिन हुण इन्हें बीच कैमरे भी आ गए केबल नेटवर्क भी आ गया है सैटेलाइट भी आ गया है कंप्यूटर इंटरनेट भी आ गया है ते मोबाइल भी आ गया है
ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਲਾਤ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2001 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਥਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਫਰੀਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਜਲਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੁਨਾਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ KPK ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਚੈਨਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੂੰਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਸੇਬ, ਕੂਕ ਅਤੇ ਰੋਹੀ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਫਰੀਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਤ, ਨਾਖਵਾਂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਆਈ ਅਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਅਤੇ ਬੜਕੀ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜੀ ਮਸਾਇਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਾਇਕੀ ਫਨਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਅਦੀਬਾਂ, ਡਰਾਮਾ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰਚੇ ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਕਾਫਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਜੀਓ, ARY, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਬਹਰਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਅਦਮ ਇਸਤਿਹਕਾਮ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦੀ ਕਮੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਾਇਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੂਕਾ ਮਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂਕਾ ਮਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਸੁੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ।